नमस्कार, आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मंडल खाजुवाला ने फसल खराबे का लिया जायजा। जहां प्रदेश भर में पिछले कुछ दिनों से शीतलहर का कहर जारी है, शीतलहर का भयंकर तांडव बीकानेर जिले के खाजुवाला में भी देखने को मिला है, जहां पर कोहरे और शीतलहर के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, जिसको लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष मांगीलाल मेघवाल, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रामेश्वर गोदारा, वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश ने क्षेत्र में दौरा कर शीतलहर के कारण फसलों के हुए नुकसान का जायजा लिया। कृषि अधिकारियों व जिला कलेक्टर को दूरभाष पर नुकसान के बारे में अवगत करवाया और सूचना जारी करते हुए बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अभी शीतलहर कुछ दिन और जारी रहेगी। जिस प्रकार दूरभाष के माध्यम से व सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि बीडी केवाईडी सियासर दंतौर सीसाड़ा क्षेत्र में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है, इस विषय में उपखंड अधिकारी खाजुवाला को फसल खराबे का सर्वे कर अति शीघ्र मुआवजा देने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। इसलिए किसानों से अपील है कि सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिनांक 16 जनवरी सोमवार दोपहर 1 बजे उपखंड कार्यालय खाजुवाला अवश्य पहुँचे। खाजुवाला से बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। 30 KYD में खड़े हैं, हमने सारी फसलों का जायजा लिया है, चाहे 25 KYD हो, चाहे KYD, बीडी, चाहे KZD और पुगल ब्रांच। छत्तरगढ़ से भी हमारे किसानों के फोन आ रहे हैं, 2 दिन से इतनी भयंकर बर्फबारी मान सकते हैं, कोहरा जमा है, जिसमें ये जो सरसों की फसल है इसके ऊपर सफेद चादर जब हम उठे सफेद चादर जम चुकी है। किसानों के जो चेहरे आज से 10 दिन पहले खिले हुए थे कि इस बार तो फसल अपनी अच्छी है, हमारे जो पीछे के कर्ज है वो उतर पाएंगे, लेकिन इस बार इतनी भयंकर जो कोहरा जमा है जिस कारण आज हमारी जो फसलें अगेती जो सरसों की फसल है वो सारी लगभग नष्ट होने के कगार पे है। हमारे पास ये फली है तो इसमें क्या है कि लगभग दाने हैं वो नष्ट हो चुके हैं, कोहरा जमने के कारण इनके अंदर पानी बन चुका है, और ये दाना जो है ये दाना जब हम थ्रेसिंग करेंगे इसकी फसल की पकाई के बाद में तो ये दाना कचरे में चला जाएगा, और सिर्फ 5 या 10% इसमें इतना बीज है जो पकाव में होगा तो हमारी फसलें 90% फसल हमने देखी है, सब जगह हम गांव में गए हैं, चक्कों में गए हैं, हमने हर जगह देखी है, तो सारी लगभग फसलें जो सरसों की अगेती फसल है उसमें भयंकर नुकसान है। अत्यधिक कोहरा पड़ने के कारण इतना भयंकर नुकसान है, हमारे किसानों के जो चेहरे हैं वो मायूस है, और हम एक ही सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार व्यवस्था बनाने के लिए हम सरकार को चुनते हैं तो हम सरकार से और प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए ताकि हमारे किसानों को थोड़ा बहुत संबल मिल सके, उनका आत्मविश्वास बना रहे, और हम जो बीमा का प्रीमियम हर साल कटवाते हैं तो हमें बीमे का क्लेम दिया जाए, इसका सर्वे करवाया जाए, और जितना भी किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है उतना लाभ पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद।